नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में, जहां पर दोस्तों बात करेंगे दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें जो है आरसीबी टीम जो है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में हर हाल में अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को तो आरसीबी टीम जो है हर हाल में खरीदना चाहेगी। तो दोस्तों, कौन से होंगे वो दोनों खिलाड़ी और क्या खास बात है उन दोनों खिलाड़ियों में, और क्या आईपीएल 2021 के ऑक्शन में ये दोनों ही खिलाड़ी अवेलेबल रहने वाले हैं, सारी बातचीत आगे इस वीडियो में हम करने वाले। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें आरसीबी टीम की तो आरसीबी टीम की कमजोर कड़ी जो है हमेशा से ही उनकी गेंदबाजी रही है। उनकी टीम में कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं रहा है जो आकर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सके, जो कि टीम के लिए निरंतर विकेट निकाल सके और टीम के लिए मैचेस भी जिताकर दे सके। दोस्तों, एक चहल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं आया आरसीबी टीम में जो कि आरसीबी टीम को लगातार मैचेस जिता सके और अच्छी गेंदबाजी कर सके। चहल ही आरसीबी टीम के लिए अच्छे गेंदबाज साबित हुए हैं, वो हर सीजन जो है आरसीबी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, अगला सीजन शुरू होने से पहले आरसीबी टीम जो है अपनी इस कमी को पूरा करना चाहेगी और ऑक्शन से कुछ ऐसे गेंदबाजों को टारगेट करना चाहेगी जिन्हें वो अपने स्क्वाड में शामिल कर ले और वो गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी करे जिससे आरसीबी टीम जो है मैचेस जीत सके, गेंदबाजी में आरसीबी टीम अच्छा कर सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिन गेंदबाजों के बारे में बात करने जा रहे हैं उनमें पहला नाम आता है यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान का। जी हाँ दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान जो है अगर आईपीएल 2021 के ऑक्शन में अवेलेबल रहते हैं, वो अपना नाम देते हैं, तो फिर आरसीबी टीम जो है हर हाल में उनके पीछे पड़ना चाहेगी। मुस्तफिजुर रहमान जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उनके पास T20 क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, अच्छे यॉर्कर्स हैं, स्लोअर वंस भी हैं, इसलिए दोस्तों T20 क्रिकेट में वो घातक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऑक्शन 2021 में वो अवेलेबल रहते हैं तो फिर आरसीबी टीम जो है उन्हें अपने स्क्वाड में हर हाल में शामिल करना चाहेगी और पूरी कोशिश करेगी उन्हें अपने स्क्वाड में खरीदा जाए। दोस्तों, मुस्तफिजुर जो है आईपीएल 2020 में नहीं खेल पाए थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एनओसी देने से मना कर दिया था, यूएई जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। मगर दोस्तों, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आने वाले सीजन में वो अपना नाम भी देंगे ऑक्शन में और खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके पीछे कई टीमें पड़ने वाली, लेकिन दोस्तों आरसीबी एक ऐसी टीम होगी जिन्हें वो हर हाल में चाहिए होंगे। दोस्तों, मुस्तफिजुर की बात करें आईपीएल कैरियर की तो आईपीएल में उन्होंने फिलहाल जो है 24 मैच खेला है जिसमें उन्होंने 24 विकेट हासिल की है। उनकी इकोनॉमी रेट जो है इस दौरान 7.51 की रही है, जबकि दोस्तों वो मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल चुके हैं आईपीएल में। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम आता है यहाँ पर दोस्तों मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क की बात हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं कि स्टार्क जो है दोस्तों आरसीबी टीम के लिए पहले भी खेल चुके हैं। आरसीबी एक इकलौती टीम है जिसके लिए मिचेल स्टार्क खेले हैं आईपीएल में। उन्हें केकेआर ने भी एक सीजन में खरीदा था, मगर दोस्तों इंजरी की वजह से वो आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए थे और पिछले साल भी उन्होंने आईपीएल नहीं खेलने का फैसला किया था। इस वजह से दोस्तों मिचेल स्टार्क जो है हो सकता है कि आईपीएल 2021 के लिए अवेलेबल रहेंगे, ऑक्शन में अपना नाम भी देंगे और खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर स्टार्क जो है ऑक्शन में अवेलेबल रहते हैं, अपना नाम देते हैं, तो फिर आरसीबी टीम उनके पीछे पड़ सकती है और उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। तो भाई, आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी टीम को किसी अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, क्या मुस्तफिजुर रहमान या फिर मिचेल स्टार्क को? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।